पुलिस जिला नवगछिया के मकनपुर चौक के समीप भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे की है। उन्होंने बताया कि हमारे ढाबे से गोपालपुर थाने की पुलिस चाय पीकर निकली ही थी, तभी अचानक जोरदार आवाज हुआ। लोगों का कहना था कि ट्रक का टायर फटा, लेकिन पास जाकर देखा तो एक छोटी कार ने मालवाहक छोटे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह ट्रक के नीचे आ गई। कार में 3 युवक सवार थे जो पूरी तरह खून से लहूलुहान थे। वहीं घटना की सूचना गोपालपुर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने ट्रक के अंदर फंसे कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला, जिसके बाद तीनों युवकों के शव को कार से बाहर निकाला गया और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों में से एक युवक खगड़िया का रहने वाला था, वहीं 2 अन्य युवक नवगछिया के भवानीपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने बताया कि तीनों युवक ढाबा चलाते थे और ढाबा से घर आने के क्रम में ट्रक में टकराने से उसकी मौत हो गई। ये तो सर 3:30 बजे सर यहाँ आवाज की सुना पे हम यहाँ को थाना वाले को फोन किए सर। थाना वाले माजो थे क्या हुआ है? तो हम तो होटल से थोड़ा दूर में सर। हम तो होटल चलाते हो क्या? जी सर। कौन, क्या नाम होटल का? प्रिया ढाबा। तो कैसे, क्या घटना हो, कैसे पता चला? तो पता आवाज से हमको पता चला था, धमक के आवाज से। कोई बोला टायर फटा, हम बोले ना एक्सीडेंट हुआ, तो आदमी वहाँ से दौड़ा तो देखा कि 3 आदमी ऐसे तो उसमें फिर तुरंत कैसे 112 पर सूचना दिए थे क्या? नहीं सर, थाना गोपालपुर थाना और गश्ती में आ रहे वो लोग। जी सर, होटल पे चाय पी के तुरंत निकलने किए थे सर। अभी फिर अभी लोग कहाँ ले गया? अभी यहाँ हॉस्पिटल। उसमें तीनों को आदमी था क्या? तीनों प्लॉट, तीनों प्लॉट। कौन? मेरा नाम सुजय कुमार सर। कौन गाड़ी में टकराया था? मवेशी गाड़ी, खड़ा गाड़ी था सर, 407। भागलपुर में जिला विधिक संघ चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वहीं 18 मई को जिला विधिक संघ में होने वाले चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जिला विधिक संघ के महासचिव पद के उम्मीदवार अधिवक्ता अंजनी कुमार दुबे के द्वारा शुक्रवार को न्यायालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने कभी जिला विधिक संघ का चुनाव नहीं लड़ा है, मुझे तदर्थ कमेटी का सदस्य बनने का मौका मिला जहां भारी अनियमितता देखने को मिली, लेकिन तदर्थ कमेटी के सदस्य पद पर रहते हुए सभी अधिवक्ताओं को पीने के पानी की हो रही समस्या को दूर करने का काम किया हूं। वहीं उन्होंने कहा कि जिला विधिक संघ के महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहा हूं और जीतने के बाद 2 माह के अंदर पानी, बिजली, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह, वकील साथियों के लिए ई लाइब्रेरी, महिलाओं के लिए शौचालय की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद सभी अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप इंश्योरेंस और बैठने के लिए शेड बनवाया जाएगा। जीतने के बाद इमीडिएट 1-2 मंथ के अंदर 5 जगह शौचालय की व्यवस्था करेंगे, ताकि सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमारी महिला दोस्त या पुरुष दोस्त जो भी हैं, उन्हें शौचालय जाने का सबसे बड़ा दिक्कत होता है पानी की समस्या, और शौचालय बिजली पानी शौचालय की समस्या का निदान करेंगे, पहला सुधार करेंगे। दूसरा सुधार, सौ सब एडवोकेट का सेट बनाकर, चबूतरा नुमा सेट बनाकर उनका बैठने का स्थान क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे। तीसरा हमारा मेन अहम मुद्दा है कि ग्रुप इंश्योरेंस करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे, और अपने लाइब्रेरी को डिजिटल करके वहाँ पठन पाठन योग बनाएंगे, ताकि हमारे बीच के जो नौजवान अधिवक्ता आते हैं वो बैठ कर वहाँ देख सकें कि हमारा लाभ कहाँ है, क्या होता है, अपडेट हो सके, बार और बेंच का सामंजस्य स्थापित करने। दाताओं से अपील करेंगे कि मुझे तदर्थ कमेटी का सचिव बनने का मौका मिला था, तो मैंने आज़ादी के बाद पहली बार बिजली और पानी लाने और सफाई काम। गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। दरअसल राजद से जदयू में शामिल होने पर भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को विधानसभा में गोपालपुर से टिकट मिलने की बात पूछने पर
तिल मिला गए। उन्होंने कहा कि गोपालपुर विधानसभा से बूलो मंडल को नहीं बल्कि गोपाल मंडल को टिकट मिलेगा। ने कहा कि गोपालपुर में सिर्फ गोपाल मंडल ही है, चुनाव प्रचार में बूलो मंडल को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलता है और उसके आ जाने से जदयू में ना कुछ बढ़ेगा और ना कुछ घटेगा, फील्ड में उनको कोई वैल्यू नहीं देता है। वहीं चुनाव में वोटिंग के दौरान गोपालपुर विधानसभा के जपतेली गांव में वोट बहिष्कार को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि इसमें सांसद की गलती है, उन्हें गाँव जाकर ग्रामीणों से आग्रह जरूर करना चाहिए था जिससे वोटिंग का प्रतिशत काफी बढ़ जाता और लोग वोट बहिष्कार नहीं करते हैं। राजनीतिक ज्योतिषी हैं, भागलपुर में पढ़े हैं, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में रहते हैं, इतना तो जानकारी, कितने को मैंने सांसद बनाया, फील्ड में से तो घूमते रहते हैं सर। उसमें नहीं, अजय मंडल को भी सांसद बनाए, बूलो मंडल को बनवा दिए, प्रचार क्यों दे, देखेंगे। हमको न संसाधन दिया, अगले बार भी छोड़ दिया था, अब की बार छोड़ दिया था, अगले बार तो अपने पैसे से यहाँ से लाखों वोट से चुनाव जीता है, मोदी के लहर में जीत गए, तो बतवा हमको संसाधन देगा तब ना। इतना बात सही है, वोट आप सिंबल लेके आइए, यही पहली जीत, आप जीतिएगा लेकिन रुपया पैसा खर्च कीजिएगा तब। बूलो मंडल भी प्रचार कर रहे हैं, अब बूलो मंडल तो सठिया गए, तो जिंदा लाश है, उनसे कुछ होने वाला है, उनसे कुछ होने वाला नहीं, जदयू में तो आए उनके उनको जवाब वहाँ मिल रहा है ना। तर आप लालटेन छापते यहाँ का बैठने के लिए जगह नहीं देता बूलो मंडल को, बूलो मंडल को तीसवा स्टार प्रचारक छोड़ो, स्थिति तो जानवे करते हैं, तो डेड हो गए थे। गोपालपुर में गोपाल मंडल है तो कौन आ सकता है, बोलो बोलो कहे लगे गोपालपुर को, जदयू में आए हैं, जदयू में आए थे, दिमाग खराब हो गया उसका, हो गया। हमको लालू यादव 2005 में बुलाए थे, बीहपुर भेज रहे थे, बूलो मंडल पीछे में आया, बोला कौन लड़ता है, बूलो मंडल बुलाया, कल के शादी किया है, हाँ किए, बच्चा पैदा हुआ तो नहीं कहे होंगे, पीछे में खड़ा था, बोला जाओ 5 साल के लिए गोपाल मंडल के लिए, नहीं सर ये हमारा ही सीट छीन के हमको दे रहे हैं, पब्लिक रिवोल्ट कर जाएगी, हमको हरा देगा, इसलिए हम ये सीट नहीं आ जाए, हमको लड़ना है डॉक्टर आर के राणा से, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा, हम जीते या हारे लड़ेंगे इनके खिलाफ ना, गोपालपुर नहीं छोड़ के जा। वोटरों में सर कन्फ्यूजन है कि कहीं गोपालपुर सीट बूलो मंडल को तो नहीं मिल जाएगा सर, वो कहीं और मिल जाएगा, आप लोग जानते हैं हम कहीं जाने वाले हैं, नहीं कहीं आपको और ऊंचा पद के लिए। एक बार और बोले थे गोपाल जी आप बीहपुर चले जाए, नीतीश कुमार बोले थे हम बीहपुर नहीं जाएंगे, हम लड़े या नहीं लड़े पार्टी का समर्थक लोग हैं, काम करेंगे, गोपालपुर से बीहपुर नहीं जा सकते। बूलो मंडल आने से जदयू मजबूत होगा, बूलो मंडल तो ऐसा ही डेड है, क्या जदयू मजबूत होगा भाई, कोनो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या, कुछ है कोई दम है, उसके आने से न भारी हो सकता है न हल्का, कुछ नहीं, काम हो रहा है, सब कुछ है, काम तो हो ही रहा है सर। बगल में जपतेली है सर, वोट का बहिष्कार भी किया गया, कहा कि बजरंग बली का किस्म खाया सांसद महोदय आया ही नहीं, खाए करेगा, अगर बहिष्कार किया तो उनको जाना चाहिए, जाने के बाद वोट जरूर देता, लेकिन गए नहीं, गलती किया। बिहार में सुल्तानगंज पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि एके गोपालन कॉलेज के पास देवघर जा रहे कैलाशपति बस से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में सूरज कुमार, भीम कुमार, सूरज कुमार और कुंदन कुमार शामिल है, साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों को शराब का सेवन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसमें नकुल कुमार, नवीन कुमार और जितेंद्र मंडल शामिल है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों से भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है।